मूवी की स्टार्टिंग में हम एक बेले डांसर को देखते हैं जो थकने के बाद भी अपना डांस कर रही थी। वहां पर एक लेडी आती है और उसे पूछती है कि ये सब तुम क्यों कर रही हो। वो डांसर इस पर कहती है कि यहाँ पर मैं जीतने के लिए आई हूँ। यह हमारी मेन कैरेक्टर है, केट एक छोटे से शहर से आई थी। कुछ ही समय पहले उसे यहाँ के प्रेस्टिजियस और फेमस बेले डांसिंग एकेडमी में एडमिशन मिला था। केट उसी एकेडमी के कॉम्पिटिशन को जीतने के लिए ये प्रैक्टिस कर रही थी। एक दिन एकेडमी के सारे स्टूडेंट अपने परफॉर्मेंस जजेस के सामने करने वाले थे। केट भी ये देखने के लिए आई हुई होती है। वहां पर केट मरीन नाम की एक लड़की से मिलती है। मरीन भी वहां पर डांस परफॉर्मेंस करने के लिए आई हुई थी। केट और मरीन की कुछ ही समय में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। केट ने कहा कि ओली ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड किया था। ओली ये मरीन का ब्रदर था, इस वजह से उसे बहुत बुरा लगा था, इसी वजह से उन दोनों में फाइट हो गई। ओली इसी एकेडमी में एक ब्रिलियंट डांसर था। इस सब के बीच में मरीन अपने परफॉर्मेंस के लिए जरा लेट हो जाती है। इसके बाद उसने डांस किया। केट देखकर बहुत ही सरप्राइज हो गई थी क्योंकि मरीन एक बहुत ही अच्छी डांसर थी। केट को यहाँ पर जब एडमिशन मिला था तो उसे स्कॉलरशिप मिली थी। अब उसे रियलाइज होता है कि यहाँ के एकेडमी के एक्सपेंसेस के लिए उसे सिर्फ स्कॉलरशिप मिली है, बाकी सारे खर्चे उसे खुद उठाने पड़ेंगे। अब उसे जरा पैसों को लेकर चिंता होने लगती है। रात में केट को पता चलता है कि जिसके साथ उसकी लड़ाई हुई यानी मरीन के साथ, वही उसके रूममेट है। स्लोली स्लोली अब दोनों में थोड़ी थोड़ी बातें होने लगती है। नेक्स्ट सीन में मरीन केट को एक ड्रग पार्टी में लेकर जाती है जो एक जंगल में थी। यहाँ पर सब लोग ड्रग कंज्यूम कर रहे थे। इसी बीच केट और मरीन एक दूसरे को डांस कंपटीशन के लिए चैलेंज करती है। उन्होंने बेट लगाई थी कि जो इस कंपटीशन में हार जाएगा उसे डांसिंग छोड़नी पड़ेगी। दोनों फिर डांस करना स्टार्ट करते हैं। दोनों काफी समय तक डांस करते रहे पर एंड में दोनों साथ में ही रुक जाते हैं। केट कहती है कि मरीन इस कॉम्पिटिशन को जीत गई है क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया था कि मरीन के पैर मेरे रुकने के बाद रुके थे। मरीन ने चीज नोटिस नहीं की थी। मरीन को केट की ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगती है और इसके बाद से अब वो दोस्त हो जाती है। जो उन्होंने बेट लगाई थी ये बेट उन्होंने नल कर दी। दोनों फिर साथ में मिलकर इस कंपटीशन की प्रैक्टिस करने लगते हैं। मरीन को फिलिप के साथ डांस करने का मौका मिलता है जो एकेडमी का बेस्ट मेल डांसर था। फिलिप के साथ हर एक लड़की डांस करना चाहती थी। दूसरी तरफ केट को जीन नाम के लड़के के साथ डांस करना था, वो भी एक अच्छा डांसर था। डांस करते हुए उसे वो ड्रग्स ऑफर करता है क्योंकि वो एक ड्रग डीलर भी था। केट ने इसके लिए जीन को मना कर दिया। केट को अब एक प्रॉब्लम था, उसे अपने डांस परफॉर्मेंस के लिए शूज चाहिए थे क्योंकि ओल्ड शूज उसके टूट गए थे। उसके पास पैसे नहीं थे इसलिए वो बहुत टेंशन में आ जाती है। एक रात केट फिलिप से मिलने के लिए गई ताकि डांस के कुछ स्टेप्स वो सीख सके। इसके बाद वो दोनों करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो गए। अब केट और मरीन एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन चुके थे। इसके बाद वो दोनों अपने अपने सीक्रेट्स भी शेयर करते हैं। केट मरीन को बताती है कि उसकी फैमिली का एक वर्किंग बैकग्राउंड है, उसके सारे एकेडमिक एक्सपेंसेस स्कॉलरशिप से आते हैं। मरीन उसे कहती है कि मेरी मदर फ्रांस की US एम्बेसडर है, उसके पेरेंट्स पेरिस में ही रहते हैं। नेक्स्ट दिन में मरीन अपनी फैमिली के एक पार्टी में जा रही थी। कार में मरीन की मदर ने उसे बताया कि केट की स्कॉलरशिप को हमने ही फंड किया है। मदर को पता था कि केट एक बहुत ही अच्छी डांसर है और मरीन के आगे चलकर करियर में वो हर्डल बन सकती है, इसी वजह से केट की स्कॉलरशिप को वो बंद करना चाहती थी। यहाँ पर मरीन ने सामने आके केट को डिफेंड किया, कहती है कि ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केट मेरी अच्छी फ्रेंड है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में पार्टी का सीन दिखाया जाता है। मरीन के गेस्ट उसे डांस परफॉर्म करने की रिक्वेस्ट करते हैं। डांस करते करते उसका बैलेंस चला गया और एक वेटर से वो टकरा जाती है और डांस को फिर रोक देती है। बाद में मरीन पार्टी में जो एक ड्रमर था उससे मिलती है। उसका नाम जमाल था। मरीन और जमाल में बहुत ही अच्छे से बात होती है। इसके बाद जमाल मरीन के साथ थोड़ा सा फ्लर्ट करता है। मरीन उसे इम्प्रेस्ड हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बातें शेयर करते हैं, इसमें से कुछ पर्सनल भी थी। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। रात में मरीन काफी लेट घर पर पहुंची। केट बेड पर सोने वाली थी। मरीन केट को कहती है कि हम दोनों बहुत ही अच्छे डांसर हैं और हम बहुत मेहनत करेंगे और बेस्ट डांसर बनेंगे। कंपटीशन में प्राइज भले ही एक हो पर हम दोनों में से कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक हम दोनों को प्राइज नहीं मिलता। ये उन दोनों ने अब डिसाइड कर लिया था। अब एकेडमी में फाइनल डांस कॉम्पिटिशन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। सब लोग अब डांस के लिए प्रैक्टिस करने लग गए थे। केट और मरीन भी दोनों मिलकर बहुत इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे थे। केट का अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसके पास शूज नहीं है, वो अच्छे से डांस नहीं कर पा रही थी। उसने अपने पुराने शूज को ग्लू से चिपकाया था और उसे वो यूज कर रही थी। अब डांसर्स की रैंकिंग स्टार्ट होती है। इसमें सभी डांसर अपना अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करते हैं। इसी बीच उनकी एक फ्रेंड डांसर परफॉर्मेंस के वक्त इंजर्ड हो जाती है। इसके बाद उसे घर जाना पड़ता है। सबको रियलाइज होता है कि डांस कॉम्पिटिशन बहुत ही टफ होने वाला है, किसी के इंजर्ड होने के बाद भी उन्हें डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट डे का डांस खत्म होकर रैंकिंग आती है। केट और मरीन की रैंकिंग आसपास ही थी। इसके बाद दोनों और भी अच्छी ट्रेनिंग करने का फैसला करते हैं। अब केट तो अपने प्रैक्टिस में लग गई थी पर उसे बहुत टेंशन आ रहा था। वो जीन से ड्रग बाय करना स्टार्ट कर देती है। वो और किसी दूसरी लड़की की फ्रेंड बन गई थी।
उस लड़की को एकेडमी में थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया जाता था। धीरे धीरे केट और वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं और दोनों में अच्छी बातें होने लगती है। दोनों साथ में अब ड्रग्स करने लग गए थे। केट भी फिर से उस जंगल थीम ड्रग पार्टी में रेगुलरली जाने लग गई थी। वो वहां पर डांस भी करती थी पर वहां पर बहुत सारे ड्रग्स भी कंज्यूम करती थी। और केट और मरीन का हार्डवर्क दिखाई दे रहा था। दोनों की रैंकिंग हर डांस परफॉर्मेंस के बाद बढ़ रही थी। दोनों की एक दूसरे की तरफ क्लोजनेस भी बढ़ रही थी। साथ में मरीन जमाल के साथ और क्लोज हो जाती है। वो काफी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करने लग गए थे। दूसरी तरफ केट भी अब फिलिप के साथ थी। सब चीजों का बुरा असर मरीन पर पड़ रहा था। मरीन की रैंकिंग पहले केट से ज्यादा थी पर केट की रैंकिंग इम्प्रूव हो रही थी पर मरीन की उतनी फास्टली इम्प्रूव नहीं हो रही थी। मरीन का डांस से इंटरेस्ट जरा हट रहा था। एक दिन केट और मरीन दोनों बेले परफॉर्मेंस करने के लिए गए थे जहां पर बहुत बड़े बड़े लोग आए थे। इसी परफॉर्मेंस में बेंजामिन भी डांस कर रहा था। बेंजामिन एक मेल बेले डांसर था। वो अपने एक्सप्रेशंस रोमांटिक डांस के लिए बहुत फेमस था। वो बहुत ही स्किल्ड डांसर था। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद घर पर केट और मरीन अपना फोटो लेकर बेंजामिन को सेंड करते हैं। उसे वीडियो कॉल कर पूछते हैं, कहते हैं कि हम दोनों को विन करना है। एक कॉम्पिटिशन में क्या दो विनर्स हो सकते हैं? बेंजामिन इस बात के लिए मना करता है। अब नेक्स्ट सीन में हम केट को मरीन के घर पर देखते हैं। मरीन के मॉम के साथ वो डिनर कर रहे थे। मॉम कहती है कि मरीन परफॉर्मेंस नहीं जीत पाएगी क्योंकि उसका डांस उतना ज्यादा इम्प्रूव हो नहीं रहा। इस बात से मरीन गुस्सा हो गई और वहां से चली गई। केट मरीन के जाने के बाद उसकी मॉम से कहती है कि वो इम्प्रूव करेगी, मुझे भरोसा है। अब केट और मरीन दोनों एक साथ प्राइज जीतने के लिए डांस करने लगते हैं। मरीन इसमें काफी पीछे थी। एक दिन केट और मरीन दोनों एक साथ फिलिप के साथ इंटीमेट होते हैं। कुछ समय बाद मरीन जमाल से ब्रेकअप कर लेती है। इस बात से मरीन बहुत ही इमोशनली वीक हो गई थी। इस समय में वो और केट काफी करीब हो गए थे। मरीन एक दिन केट को बताती है कि ओली की डेथ कैसे हुई थी। एक दिन ओली और मरीन दोनों साथ में अपने रूम में डांस कर रहे थे तभी उनकी मॉम ने उन्हें देखा। मॉम को लगा कि शायद वो दोनों इंटीमेट हो रहे हैं। उनकी मॉम ऐसा सोच सकती है। इस बात से ओली बहुत अफेक्ट हुआ था। उसने ड्रग्स लेना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद वो डिप्रेस हो गया। एक दिन ओली ने मरीन को कॉल किया था पर मरीन ने उसका कॉल नहीं उठाया। उसी दिन उसने सुसाइड कर ली। इस बात के लिए मरीन अपने आप को जिम्मेदार मानती है। केट उसे समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें इसके लिए बुरा नहीं मानना चाहिए। अब डांस का फाइनल डे पास आता है लेकिन केट के पास अब भी शूज नहीं थे। अब तक जिस फ्रेंड के शूज के साथ वो डांस कर रही थी वो फ्रेंड उसे शूज देने के लिए मना कर देती है क्योंकि अब कंपटीशन में सिर्फ 5 ही डांसर बचे थे। कंपटीशन बहुत ही टफ हो चुका था। अब केट मरीन से जरा दूरी बनाती है क्योंकि उसकी कॉम्पिटिटर थी। उसने डिसाइड किया था कि उसे अब मरीन के वैसों पर नहीं रहना। इस वजह से उससे वो दूरी बनाने लग गई थी। वो एकेडमी में एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है जिसमें से एक फीमेल डांसर को बेंजामिन के साथ वर्क करने का मौका मिलेगा। उस डांसर को बेंजामिन सिलेक्ट करेगा। जो इस एकेडमी की बेस्ट डांसर होगी वही सिलेक्ट होगी। अब डांस परफॉर्मेंस के बाद लगभग ही कंफर्म हो जाता है कि बेंजामिन केट को ही सिलेक्ट करेगा और वैसा ही हुआ। सिलेक्ट होने के बाद केट एकेडमी में बहुत फेमस हो जाती है। केट अब और इंटेंसिटी से अपने डांस की प्रैक्टिस करने लग गई। एक दिन जब केट बेंजामिन के साथ थी तो उसे पता चला कि मरीन के फैमिली ने उसकी स्कॉलरशिप काफी समय से बंद कर दी है। अब उसकी फैमिली को एकेडमी की फीस भरनी पड़ेगी। केट को रियलाइज हुआ कि इसी वजह से उसके फादर ने उनका घर भी बेच दिया था ताकि उसकी फीस भर सके। केट इस बात से बहुत गुस्सा आ जाती है और सीधा वो मरीन के रूम में गई। मरीन को कन्फ्रंट करती है, कहती है कि तुम्हारी फैमिली ने मेरी स्कॉलरशिप को वापस ले लिया है, ये सब तुम्हारी वजह से है। केट को लग रहा था कि मरीन के कहने पर ही उन्होंने ऐसा किया है। ऐसा कुछ भी नहीं था, मरीन को इस सब के बारे में पता भी नहीं था। मरीन इसके लिए उसे माफी मांगती है। केट उस पर गुस्सा थी तो उसे बहुत बुरा कहकर वहां से चली गई। नेक्स्ट डे मरीन ने केट से बात करने की कोशिश की पर केट उसे इग्नोर कर देती है। मरीन जब डांस रूम में गए तो वहां पर सभी डांसर उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। मरीन को इसका रीजन पता चलता है। केट ने सबको बता दिया था कि ओली ने सुसाइड क्यों की थी। उसने बात झूठी तरीके से कही थी। इस बात की वजह से दोनों में बहुत टेंशन बढ़ जाता है। मरीन केट की इस बात से बहुत ही दुखी हो गई थी। वो सीधा सुसाइड करने के लिए जाती है। वो ब्रिज के पास आई, उसे एक मोमेंट पर लगा कि वो कूद जाए पर वो कूदती नहीं। इसके बाद वो अपनी मदर से मिलने के लिए गई। उसकी मदर उसे समझाती है कि हमें लाइफ के पुराने मोमेंट्स को सिर्फ हमारी यादों में रखना चाहिए, उसे अपने साथ लेकर लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मदर ने कहा कि जब एक डांसर गिरता है तो उस पर ब्लेसिंग होती है, जब उठता है तब उसे वो ब्लेसिंग मिल जाती है, तुम्हें फिर से डांस के लिए रेडी होना चाहिए। नेक्स्ट डे गेट को पता चला कि मरीन अब सोलो डांस करने वाली है। उसने गेट को फिलिप के साथ डांस करने का चांस दिया था, फिलिप उसका पार्टनर हो गया। इस बात से केट कंफ्यूज हो जाती है कि उसने ऐसा किया क्यों। अब डांस स्टार्ट होता है। बहुत बड़े बड़े जजेस फाइनल डे की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यहाँ पर आए हुए थे। यहाँ पर बेंजामिन भी था। सबका डांस शुरू होता है और बाकी डांसर एक दूसरे के डांस को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। सभी डांसर अपना बेस्ट दे रहे थे।
फिर केट की बारी आती है। अब केट फिलिपी के साथ डांस परफॉर्म करती है। केट का बेस्ट परफॉर्मेंस होता है। इस परफॉर्मेंस के बाद मरीन का परफॉर्मेंस आता है। मरीन ने अकेले ही परफॉर्म किया। इसका डांस देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। अकेले परफॉर्म करना बहुत ही रिस्की था, पर फिर भी वो बहुत अच्छा डांस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उसके डांस में वो गिर जाती है, फिर से ऊपर उठती है। उसने डांस इस तरीके से कोरियोग्राफ किया था, इसमें वो गिर गिर कर फिर से उठती है। सब लोगों को पता चलता है कि कोरियोग्राफी मरीन ने खुद की थी। ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था और सब लोग इसके लिए उसे अप्रिशिएट करते हैं। परफॉर्मेंस के बाद मरीन को केट का पुराना डांस पार्टनर अप्रोच करता है। उसे कहता है कि तुम्हारी कोरियोग्राफी बहुत बेस्ट थी, तुम्हारे एफर्ट्स इसमें दिख रहे थे। वो चाहता था कि मरीन उसका डांस परफॉर्मेंस कोरियोग्राफ करे। इसके बाद फिर रिजल्ट अनाउंस किए जाते हैं। लास्ट में फाइनल बेस्ट फीमेल डांसर का प्राइज था। केट और मरीन ये दोनों ही बचे थे। जैसे ही अनाउंस किए जाने वाला था कि कौन जीतने वाला है, तभी मरीन कहती है कि मुझे ये प्राइज नहीं चाहिए। प्राइज की विनर अब सिर्फ केट ही बची थी। जाते हुए मरीन को उसकी मॉम बहुत समझाती है कि उसे वापस आना चाहिए, अगर तुम गई तो तुम बहुत कुछ खो दोगी। पर मरीन इस बात को नहीं मानती। शो को छोड़कर वो चली जाती है और केट को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। केट उस एकेडमी की मोस्ट प्रेस्टिजियस फीमेल डांसर बन गई थी। अब इसके बाद डायरेक्टली 3 साल बीत गए थे। हम केट को डांस परफॉर्म करते हुए देखते हैं। उसे काफी सारे लोग देख रहे थे। केट अब बहुत फेमस हो गई थी। उसके ऑल अराउंड द फ्रांस शोज होते थे। वो अब अपनी ड्रीम लाइफ जी रही थी। उसके बहुत सारे फैंस थे। उसे अब बहुत सारे पैसे मिल चुके थे और वो बहुत फेमस हो गई थी। केट अपना परफॉर्मेंस कंप्लीट करने के बाद अपनी कार के पास जाती है। उसे मिलने के लिए वहां पर मरीन आई थी। उसे कहती है कि उसने उसका परफॉर्मेंस देखा और बहुत बेस्ट था। मरीन को उसका डांस बहुत पसंद है। केट मरीन से बात करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती और इनडायरेक्टली इग्नोर कर वहां से अपनी कार में चली जाती है। कुछ समय बाद केट ने अपनी कार को टर्न कर वो फिर से मरीन के पास आई। वो चिल्लाकर उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे नफरत करनी चाहिए, मेरी वजह से लास्ट मोमेंट पर तुम डिप्रेस हुई थी और इसी वजह से वहां से चली गई। केट इस सब के लिए उसे माफी मांगती है। मरीन ने उसे कहा कि तुम्हें माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं अभी भी डांस करती हूँ। फॉरेस्ट में जो डांस होते हैं वहां की मैं कोरियोग्राफर हूँ। उसे उसका काम बहुत पसंद था। तुमने मुझे अपने कम्फर्ट जोन से निकलने के लिए मजबूर किया, इस वजह से वो बेटर बनी। अपने पास्ट को कैसे बुलाया जाए ये केट ने उसे सिखाया था। इस बात से केट को रियलाइज हुआ कि मरीन का दिल अच्छा है। उसने हमेशा ही केट के बारे में अच्छा सोचा है। इसके बाद वो दोनों फिर से फ्रेंड बन जाती है। मूवी के लास्ट सीन में हम केट को देखते हैं जो फॉरेस्ट में परफॉर्म कर रही थी। वो वही सेम परफॉर्मेंस करती है जो मरीन ने बेले कॉम्पिटिशन में फाइनल में किया था। ये परफॉर्मेंस भी मरीन ने ही कोरियोग्राफ किया है। इसके बाद केट अपना परफॉर्मेंस कंटिन्यू करती है। सब कुछ ठीक हो गया था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।